सो अब ये आगे की सीरीज है और हम अभी होटल से नहा धो के बाहर आ चुके हैं और ये माल रोड पे भी चल रहे हैं। फिलहाल तो हम कैंटी फॉल के लिए जा रहे हैं, तो हमें तो कोई सोर्स पता नहीं था, लेकिन यहाँ लोकल से पूछा है और क्रोम पे सर्च करा है तो पता चला है, मतलब सीधा जाना है और वहाँ से मतलब है कोई लाइब्रेरी चौक है, वहाँ से बस लेनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो लाइब्रेरी चौक की साइड जा रहे हैं, लोग में बने रही है। अब आपको पूरा प्रोसेस बता दें, यहाँ से कैंटी फॉल जाने तक का वे क्या है और कितनी पोस्ट आती है, क्या है क्या नहीं है। तो चलो हमारे साथ बेरोजगारों के साथ एक नया एक्सपीरियंस और नया डेस्टिनेशन कवर करने चल रहे हैं हम। फिर सारे हाय moments later. तो फाइनली हम लाइब्रेरी चौक पहुंच चुके हैं और अभी 10-15 मिनट बस आ दिया है। जब तक 10-15 मिनट हम थोड़ा व्यू के एंजॉय ले लेते हैं। हवा देख रहे हो यार, एक सुकून मिल रहा है, फिर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल हल्की 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 फील। देखो यार क्या मजा आ रही है, देखो अपने आप ही यार, मतलब मैं तुम बैक साइड दिखाता क्या व्यू है, पॉइंट देखो पूरी खाई है नीचे, पूरा दिख रहा है यहाँ से, जितना व्यू है ना सारा दिख रहा है यहाँ से। शायद है इसके तो बाल अलग ही जा रहे हैं, अलग ही फॉर्म में जा रहे हैं ना, तो कटवा के आया प्लस अलग ही फॉर्म में जा रहा है, कुछ कर नहीं सकते यार इसका। तो यार अभी देखो सही में यहाँ आके इतना मजा आ रहा है ना, अभी तो यहाँ पे आप जब कैंटी फॉल जाएंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है यार। चलो फिलहाल बस का वेट करते हैं और जो बस का जो टिकट है वो है 85 रुपीज यहाँ से लेके कैंटी फॉल ले जाने का। तो अगर आप आए तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू, तो मतलब कह रहा है कि चेंज होता रहता है, जैसे कि सपोज जैसे मंडे टू फ्राइडे अलग चलता है, सैटरडे संडे अलग चलता है, पता नहीं क्या क्लेश है वीकेंड का, क्योंकि वीकेंड में क्राउड ज़्यादा होता है आई थिंक, इस वजह से कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप ट्राई करें कि वीकेंड में ना आए, मंडे टू फ्राइडे ट्राई करें विजिट करने के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे जैसे हम दे रहे हैं। अब पहला एक्सपीरियंस था इसलिए फंस गए हम लोग, नेक्स्ट टाइम मंडे टू फ्राइडे विजिट करेंगे हम कहीं भी टूरिज्म प्लेस पर जाएंगे, है ना। ये बात सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और तुम्हें चार्जेस ज्यादा देने पड़ते हैं हर चीज के, जैसे होटल के भी, होटल के अब हमने एक दिन के लिए लिया, दिल से बुरा लगता है यार, दिए हैं उसके ज्यादा कुछ नहीं मिला उसमें, मतलब वैल्यू भी नहीं देख सकते यार वहाँ से। अगर हम वैसे नॉर्मल डेज पे आते तो अच्छे अच्छे होटल मतलब सस्ते मिल जाते हैं। बस यही है कि अगर ना वो डायरेक्ट बोले ना कि हाँ ऑल डेज इक्वल है तो नहीं लगेगा पूरा, लेकिन अगर वो बोलते ना वीकेंड पे और हम वीकेंड पे आए तो यहाँ सिटी पर चुपचे ज़ूम करके क्या करूँ मैं, अब आए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए फिलहाल अब आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहे हैं, थोड़ा आपको सिनेमेटिक दिखा देते हैं यहाँ का, तो बनाएंगे जरा से मिलते हैं बस में और हवा के मजे लो। बस बात बताइए, ये सैटरडे संडे का क्या खेल है, मतलब सैटरडे संडे यहाँ ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे कम लेते हैं। संडे का ये खेल है जी कि थोड़ा भीड़ इसलिए रहती है कि छुट्टियाँ बढ़ता है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी इनके चार्जेस में क्या फ़र्क आ जाता है, मतलब वो कह भी रहे थे, होटल वाले भी कह रहे थे, रेस्टोरेंट वाले भी कह रहे थे, क्या सैटरडे संडे हमारा अलग चलता है बाकी मंडे फ्राइडे अलग चलता है। अरे ये तो होटल वाले सैटरडे और संडे, हाँ दो चीज़ ये होटल वाले जाने, हम तो क्या इसके बारे में जानते हैं, आपको कुछ आइडिया होगा? नहीं नहीं, ऐसा आइडिया तो यही है होगा कि भाई होटल वालों का मामला होटल वालों में, लेकिन हमारा जो गाड़ी वाला है वो संडे जो है चलता है। हमने तो 1 night 1000 लिया है, 1 night 1000 एक नाइट का। हाँ मतलब टाइमिंग कितनी थी, कितने घंटों की थी? 24 घंटे, पूरे 24 घंटे भाई। यार उन्होंने यही बोला कि मतलब सैटरडे संडे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, अदर डेज आते तो आपको ये 700-800 में मिलता है। उन्होंने होता होगा तुम आप लोगों का कोई खेल वगैरह ना कह रहे, नाइट में और बढ़ जाएगा, नाइट में बढ़ जाएगा। हाँ नाइट में कह रहे 2000 ऐसे ही। तो फिलहाल अगर आप मसूरी हो तो अगर मसूरी से कैंटी फॉल जाना है तो आप सबसे बढ़िया रहेगा आप ये यूज़ करो वैन जो होती है
होती है, बुलेरो टाइप की होती है। हाँ जी सही कह रहे हैं, ये बुलेरो टाइप की होती है, ये यूज करो। इसमें आपको क्या होता है, बजटेबल भी होगा, प्लस में आपको टेंशन भी आनी है, और ये हर एक 10-15 मिनट पे तो निकलती है अंकल जी। हाँ 10-15 मिनट पे निकलती रहती है, उपलब्ध है, कोई टेंशन नहीं, वो फुल आराम से बैठे, एडजस्टमेंट भी देखो उसने, देखो कितने प्यार से बैठे हैं, ऐसा लग रहा है पापा की गाड़ी है। मजाक मजाक में मतलब है, बिल्कुल क्लियर है। टैक्सी करने का कोई फायदा नहीं है, सीरियसली बता रहा, टैक्सी करोगे ना जेब डीली करोगे बस यहाँ के। यहाँ जैसे भी जेब डीली करवाने वाले बंदे हो, फिर आप जानबूझ के कर दोगे। उससे डे ये यूज करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या है लोग भी मिलेंगे बात करने के लिए, और सेकंड चीज क्या होगी आपकी बजट भी कम हो जाएगा। तो बाकी व्यूज के नजारे लो, और कैंपटी फॉल पहुंच के बात करते हैं, हम तो आपके साथ ही हैं। ईमानदारी का सौदा, ईमानदारी का, अंकल की बात दिल पे लगी, ईमानदारी का सौदा है, बस बिल्कुल ईमानदारी का सौदा। चलो पहुंचते हैं, ईमानदारी से पूछो, ईमानदारी से पूछो, हम हमें क्या पता हम कौन है आप कौन है, बस हम तो मिल गए। आप ईमानदारी दिखाओगे हम आपको याद रखेंगे आने वाले टाइम में भी, ढूंढेंगे आके यहाँ दोबारा कभी। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे जी, हमारे अंकल इनके पास ही आना सबसे पहले। मजा आया। तो ये मतलब कैंपटी फॉल वाले रूट का आ गया, मतलब ऊपर से नीचे आ चुके हैं। तो मतलब ये मार्केट वगैरह है, बाकी यहाँ से मतलब स्टेयर्स हैं। वैसे तो दो रास्ते नीचे आने के लिए, एक है रूपवे से, तो रूपवे भी आप यूज कर सकते हो, 151% चार्जेस है। और सेकंड वे होता है आपका ये स्टेयर केस भी यूज़ कर सकते हो आप, जो मैं अभी बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। और बजट ट्रैवलिंग करनी है, बजट ट्रैवलिंग आपको यही करनी पड़ेगी, स्टेयर केस यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये पूरा मार्केट ही है जहाँ पे आपको मतलब जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, खाने पीने का जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। फिलहाल तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कितनी दूर पे है। तो सर आप दोबारा आ गए, तभी आऊँगा लेकिन गाड़ी सीख के आऊँगा। हाँ गाड़ी का ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, अगर आप रेंटेड कर ले तो बाइक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपेंस सेव हो जाएगा, सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, मतलब भाई है कि आप ज़्यादा चीज़ें आपको, मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ आपको, अगर मसूरी आओ ना, ठीक है, दो तीन चीज़ करके आना। सबसे पहली चीज़ वीकेंड्स पे मत आना, सेकंड चीज़ गाड़ी बुक कर लेना, मतलब गाड़ी बोले तो रेंट पे ले लेना बाइक वगैरह जो भी आपको सोर्स मिले। और थर्ड चीज़ पहले हर रेस्टोरेंट में जाके आइडेंटिफिकेशन कर लेना कि कौन सा बेस्ट है, देन चूज़ करना, और यहाँ पर काटने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी नीचे कैंपटी फॉल के नीचे आ रहे हैं स्टेयर कैसे, नीचे चल के मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए। तो ये कैंपटी फॉल का दृश्य है जो आप देख रहे हैं नीचे, ये लोग नहा रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं, और ये नीचे हाँ, और ये है आपका वाटर जो आ रहा है ऊपर से, ये यहाँ से आता है वाटर। ठीक है, काफ़ी तेज है बहाव, देख रहे हैं आप वहाँ का बहाव, अब बहाव देखिए इतना तेज बहाव है, इतना तेज बहाव है, और ये आता ही रहता है हमेशा, और इसका पानी कहीं जाता कहाँ है ये भी समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, फिलहाल अभी नीचे चलते हैं, ऊपर से देख के बहुत इंटरेस्टेड होगा। हम आ चुके हैं फॉल में, और अभी हम जा रहे हैं पानी के अंदर। भाई सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आने वाला भाई, सही में यार, अभी से ठंड है। सबसे अच्छी बात पता क्या, यहाँ पर चेंजिंग रूम ऊपर मिल जाएगा, और आपको वहाँ पे ना पजामे वगैरह टी शर्ट वगैरह सब आपको रेंटेड मिल जाएंगे 30 रुपीज में। अब आज थोड़ी दिक्कत आ रही है फॉल्स की वजह से, बट आप ट्राई करो सुनिएगा, बट पानी बहुत चिल्ड है, लेकिन फिर ट्राई करो। एक दो तीन नखरे करते हुए
आना हो तो तुम मछली उगाने का फायदा नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले अभी पानी काफी ठंडा है, आज धूप मिल गई। ये मुझे आवाज ऑर्डर बोल गए फॉल गिर रहा है। ओके भाई भाई ठंडा पानी बहुत आ रहा है, लैग पूरे सुन हो गए यार भाई। मजा रे भाई, बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ज्यादा। मतलब ये है कि सांस ले लो तो सांस ले लो, धूप और गर्मी आन दो, ऐसा जाइज कर लेगा भाई। सही होता कोई भी यार पक्का करना, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा। और सबसे बड़ी चीज पता है यहाँ सेफ्टी रिगार्डिंग गार्ड्स खड़े हैं, गार्ड्स। तो आपको अगर इनके कुछ प्रॉब्लम फेस होती है ना मतलब बचा लेंगे यार, आपको सेव कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और जाऊँगा मैं नाम थोड़ा, मेरा मन नहीं भरा अभी। और इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। A few moments late. Hey guys, यार गला बैठ चुका है, मतलब हॉल में नहा के बहुत ज्यादा ठंडा पानी था, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा पानी था। देख लो इतना ठंडा पानी था, देखो हाई नेक पहननी पड़ गई मेरे को। तो शुक्र है कि मैं गर्म कपड़े मैं एक्सेस में रख के लाया था, जिस वजह से ठंड लगती पहन ली, बच गया। पर फिर भी गला तो खराब हो ही गया है, वॉइस थोड़ी खराब आ रही है, आप देख ही रहे हो। और बहुत ज्यादा चिल्लाया, बहुत मजा आया। देखोगे ना तुम वीडियो का, बहुत मजा आया। तुम देखोगे क्या, देख रहे हो गे, अभी देख के ही आ रहे हो आगे, है ना। बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा। आओ आप भी करो, सीरियसली बता रहा हूँ, ट्रैवल करो, इंजॉय करो लाइफ, इंजॉय करो बिल्कुल। जितना ज्यादा जी सकते हो ना उतना जी लो, कोई दोबारा नहीं मिलने वाला ये मौका। तो फिलहाल तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। फॉल से वापस ऊपर जा रहे हैं हम अपने मसूरी में, होटल जाएंगे और देखते नियर बाय कोई प्लेस होगा घूमने का तो वहाँ घूमते हैं। अदरवाइज फोन बिल्कुल चार्ज नहीं, डेड पड़ गया, पावर बैंक होटल में छूट गया गलती से। तो यार अब ज़्यादा लंबी ब्लॉक करूँगा नहीं मैं, और ना मेरे पास कैपेसिटी है खुद को बोलने की, और ना ही मेरे फ़ोन में कैपेसिटी है मुझे कैप्चर करने की। तो यहीं पे ब्लॉक करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है आज का। तो मिलते हैं कल हम, फिर अभी कल भी हैं यहीं, तो मतलब कल के ब्लॉग में मिलते हैं, और दूसरे ब्लॉग में फिर दूसरे प्लेस पे, ठीक है। देखने के बाद भी अच्छा लग रहा है, अपना ध्यान रखो और बाय। धूप बड़ी प्यारी आ रही है, थोड़ी धूप लूंगा और कुछ खाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, बाय।